हेलो गुड मॉर्निंग गेम शो, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। तो आज है 17 अक्टूबर 6:52 AM। तो मेरे को पता है बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, इसके लिए बहुत दिनों के बाद आ रही है वीडियो। तो मैं सोचा कि आज क्यों ना मैं जाऊँ साउथ बॉम्बे साइड, थोड़ा व्लॉग करूँ और थोड़े प्लेसेस में कवर अप करूँ जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है और मेरा फेवरेट फोटोग्राफी प्लेस है। तो मैं अभी जा रहा हूँ चर्च गेट एंड अभी टाइम भी अभी 7 o'clock हो रहा है, निकलना था 6 बजे। तो अभी मैं अभी जा रहा हूँ स्टेशन के साइड और मैं ऑटो पकड़ने वाला हूँ एंड मैं अकेले ही हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। तो अभी जाते हैं ये जर्नी पर। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Church gate return. जी, मैं अंधेरी स्टेशन हूँ, टिकट ले ली है और अभी मेरे को पकड़नी है चर्च गेट की ट्रेन। अभी है 14 मिनट्स में अभी ट्रेन। तो फाइनली मैं चर्च गेट पहुँच चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ओवल मैदान। तो आज सब जगह मैं जिधर भी जाऊँगा मैं चल के ही कवर अप करूँगा, चल के जाऊँगा सब जगह और बताऊँगा आपको और हाइपर लैप्स भी दिखाऊँगा मैं आपको। This is the best early in the morning and it's very healthy also and sweet, so it's good. तो ये ओवल मैदान है, ये मेरा एक फेवरेट स्पॉट है फोटोग्राफी के लिए और ये यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पे ना एवरी सैटरडे और संडे फोटोग्राफी के लिए आना ही चाहिए और वीडियोग्राफी अगर आप लोग करते हो सिनेमाटोग्राफी। सो दिस इज़ द प्लेस एंड अभी मैं जा रहा हूँ एशियाटिक लाइब्रेरी और बलाड एस्टेट, तो वहाँ पे जाते हैं एंड उसके बाद जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और ये है राजा भाई क्लॉक टावर। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट्स वॉकिंग है एशियाटिक लाइब्रेरी के लिए, तो वहाँ पे जाके मिलते सीधा। सो ये है एशियाटिक लाइब्रेरी और आप इसका टाइम लैप्स हाइपर लैप्स देखिए। 3, 2, 1 गो। Running or still, every time, whatever it is, I keep on. अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी है तो आपको ये सीन याद रहेगा जब शाहिद कपूर कायरा अडवाणी के पास जाता है गार्डन में और वो जो सीन हुआ था वो यहाँ पे ही हुआ था एग्जैक्टली, ये गार्डन में हुआ था। ये एशियाटिक लाइब्रेरी के एकदम ठीक सामने है, तो यहाँ पे कबीर सिंह की मूवी की शॉट हुई थी एंड अभी मैं एशियाटिक लाइब्रेरी से जा रहा हूँ सीधा बलाड एस्टेट एंड वहाँ से मैं जाऊँगा सीधा गेटवे ऑफ इंडिया और टाइम रहा तो फिर मैं जाऊँगा CST। और हाइपर लैब्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको हाइपर लैब्स कैसे लगे और भी ऐसे वीडियोस में व्लॉग्स बनाते रहूँगा तो आप मेरे को सजेशन में बता दीजिए कि कैसे वीडियोज़ चाहिए आपको। और अभी सुबह हो गई है तो अभी ट्रैफिक भी देखो आप इतनी बढ़ गई है और ये सब मूवी की शूटिंग और जो भी एड की शूटिंग रहती है सब ये साइड ही होती है।
तो अभी हम लोग ने बलाड एस्टेट एंट्री कर दी है, तो ये पूरा जितना भी एरिया है वो बलाड एस्टेट है। और ये यहाँ पे जगह एकदम लाइक खाली रहती है, यहाँ पे इतना कुछ ट्रैफिक नहीं रहती, यहाँ पे ना संडे के टाइम क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। और ये फोटोग्राफी के लिए भी एक स्पॉट है, ये भी बहुत ही अच्छी स्पेस है, यहाँ पे आप आ सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे भी लाइक सारे आधे से ज़्यादा बिल्डिंग तो बंद है, मतलब पूरा बंद रहता है, कोई यहाँ पे रहता नहीं है, अबैंडन्ड रहता है पूरा। एंड अभी बस अभी ये जगह हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। और मैं गाने सुनते सुनते जा रहा हूँ क्योंकि बोर भी नहीं होएगा थोड़ा, और थोड़ा मज़ा आएगा। अगर आपने अमेज़ॉन प्राइम पे द फैमिली मैन सीरीज़ देखा है तो आपको पता होगा कि उसकी जो सीन शॉट हुई थी वो पूरा बलाड एस्टेट में ही हुआ था। और ये भी एक सीन है जहाँ पे जिसको पकड़ते हैं वो पूरा अंदर भागते हैं, और यही पूरा शॉट यहाँ पे ही हुआ था द फैमिली मैन का। एंड अभी वो इमेजिन करता हूँ सीन, तो मुझे ये प्लेस नज़र आते जहाँ पे वो सब मनोज बाजपेयी सब इधर से ही शॉट हुए थे, तभी मैं वो साइड हूँ। और अगर आपको ये स्पॉट में आना हो तो ये बलाड एस्टेट इज इन चर्च गेट, गूगल मैप पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, एंड इट्स इन मुंबई। पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अभी टाइम लैप्स निकाल रहा हूँ। एंड ये गेटवे ऑफ इंडिया है, एंड यहाँ पे अभी बहुत धूप है अभी ये टाइम पे, तो आई प्रेफर कि अगर आप लोग आ रहे हो और ये जगह पे आ रहे हो पहली बार तो आप मॉर्निंग में आओ, 6 o'clock या 7 o'clock को, सनराइज़ अच्छी तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे। मॉर्निंग या तो इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम, डोंट कम एट 10 o'clock और 11 o'clock, इतनी धूप रहती है कि यू गेट डिहाइड्रेटेड सो फास्ट। सो दिस इज़ वन ट्रैवल स्पॉट फॉर मी टू डू फोटोग्राफी एंड डू सिनेमाटोग्राफी, एंड देर आर लाइक many tourist attraction, like people from various countries are coming here. So yes, if you are coming here, you will definitely fall in love with this place, and I will head back towards home right now. And I hope you liked all the time lapse and the hyper lapse which I took. Or agar acha laga to please uske liye to like banta hai zarur. Aur abhi main bas thode der yahan pe baith raha hu, and I will have something juice or something to get hydrated and to have some energy in the body. हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। और आपको कुछ आइडियाज़ आए कि आपको कैसे वीडियो चाहिए वो मैं बना सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट पे आपका सजेशंस डाल दीजिए। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, ब्लॉग्स डेली तो नहीं आएंगे बट वीकली आएंगे, ठीक है? तो होप यू आर स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, सो पीस आउट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।